नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पल्लवी राय, यूट्यूब चैनल भारत एक नई सोच से। दोस्तों, एक तरफ पूरी दुनिया कोरोना वायरस के कहर से जूझ रही है, मानवता पर एक कहर बनकर कोरोना वायरस आया है और वो लोगों की जान खा रहा है, एक राक्षस बन के आया है। वहीं दूसरी तरफ भारत में भी कोरोना वायरस जो है वो बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। लॉकडाउन के बावजूद इसके आंकड़े बखूबी बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और कई तरह के सवाल जो हैं वो हैं ही। मजदूरों के साथ जो बेईमानी हो रही है वो एक सवाल है ही, कैसे मजदूरों के साथ लाचारी, उनकी लाचारी बेबसी का मजाक बनाया जा रहा है, ये तो एक सवाल है ही। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो भी इस सरकार के विपक्ष में बोलने वाले लोग थे उनकी आवाज दबाने की बखूबी कोशिश इस लॉकडाउन में की जा रही है। दोस्तों, एक तरफ CAA और NRC को लेकर जिन जिन लोगों ने प्रोटेस्ट किया है उन लोगों की आवाजें दबाने के लिए लॉकडाउन का एक अच्छा समय माना गया है। दोस्तों, लॉकडाउन के समय उन सभी लोगों को जो है धीरे धीरे कर जेल में डाला जा रहा है और इसका सबसे अच्छा समय उन्होंने लॉकडाउन ही चुना है। दोस्तों, क्यों हम कोरोना वायरस से लड़ने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं? क्यों हम कोरोना वायरस की तैयारी पर ध्यान न देकर CAA और NRC पे जिन जिन लोगों ने प्रोटेस्ट किया था उन लोगों की आवाज ही दबाने की कोशिश कर रहे हैं? दोस्तों, कई तरह के सवाल हैं और कई तरह की चिंताएं जो है वो पैदा करने वाले हैं। दोस्तों, आज मैं जिस टॉपिक पर वीडियो बना रही हूँ वो मेरे लिए बेहद संवेदनशील है। तो एक लड़की जो CAA और NRC को लेकर प्रोटेस्ट कर रही थी, आज उसे जेल में डाला गया है। जेल में डालकर उस पर UAPA का कानून लगाया गया है, देश विरोधी बताया गया है, देश विरोधी राजनीति करने की बात कही गई है और न जाने क्या क्या। दोस्तों, ये बात भी सामने आई है कि वो महिला प्रेग्नेंट है 3 महीने की, इसके बावजूद उसको बेल नहीं दी जा रही है। दोस्तों, क्या हम ये समझे कि सरकार को उनकी बगावत करने वाली आवाजें पसंद नहीं आती हैं? उन आवाजों को दबाने के लिए ये लॉकडाउन ही सबसे अच्छा समय माना गया है, क्योंकि इस लॉकडाउन में कोई भी बाहर निकल नहीं पाएगा। लॉकडाउन में लोग अंदर हैं, फिर ये लोग जो है ऐसे ही लोगों की आवाज दबा रहे हैं। जो जो बुद्धिजीवी, जिन जिन लोगों ने CAA और NRC को लेकर प्रोटेस्ट किया था, चुन चुन के उन लोगों को जेल में डालने की साजिश की जा रही है। और आज जिस महिला को जेल में डाला गया है वो मुस्लिम है, शायद इसलिए इनको ज्यादा खलबली मच रही है। एक तरफ ऐसे भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने न जाने क्या क्या कहा। एक दो इनके ही नेता हैं जिन्होंने कहा कि देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को। उन पर क्या हुआ? शाहीन बाग में एक युवक जो है वो पिस्टल लेकर चला आया, उस पर कोई कानून नहीं लागू होता है, उस पर तो बेल मिल जाती है उसको, वो बाहर निकला हुआ है। जिन जिन लोगों ने लिंचिंग की है वो लोग बाहर निकलते हैं तो उनको तिरंगे से लपेट कर सम्मान दिया जाता है। एक तरफ जो लोग हिंसा कर रहे हैं, जो लोग लोगों को मार रहे हैं, उनसे हम आराम से रुख अपना रहे हैं, उन पर हम संवेदनशीलता जता रहे हैं, उनसे हमें प्यार है। वहीं दूसरी तरफ जिन जिन लोगों ने प्रोटेस्ट किया है वो उनका मौलिक अधिकार है। क्या इस मुस्लिम लड़की ने, मैं तो मुस्लिम लड़की का नाम इसलिए कोट कर रही हूँ क्योंकि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे समाज में पहले तो ये BJP सरकार के अगेंस्ट जिन जो लोग बोलते हैं उनसे दुश्मनी निकाली जाती है, और अगर गलती से वो मुस्लिम हैं तो फिर तो उनके साथ और ही बुरा होने वाला है। दोस्तों, ये कौन सी मानवता है कि एक माँ एक छोटे से बच्चे को अपने पेट में पाले हुई है और उसको जेल में डाला जा रहा है और उसको बेल भी नहीं दी जा रही है? ये क्या हो रहा है? दोस्तों, यहाँ मेरा सीधा सवाल है उन सब लोगों से जो आज फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर उस महिला के खिलाफ न जाने कौन कौन सी चीजें बक रहे हैं। दोस्तों, मैं उन सारी चीजों को बोलना तो नहीं चाहती क्योंकि ये समाज अब महिलाओं के लिए बचा ही नहीं है। उस महिला को न जाने क्या क्या कहा जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि वो जो प्रोटेस्ट करने का जगह थी वो कोई प्रोटेस्ट करने की जगह नहीं थी बल्कि शरीर का बाजार खोला जा रहा था। वहां पर ये किया जा रहा है, वहां महिलाएं ये कर रही थी, इस तरह की बात है। इस महिला को अपमान करने की इस तरह भूल गए हैं लोग कि उसे कह रहे हैं कि शादी भी नहीं हुई थी तब कैसे प्रेग्नेंट हुई। अवैध संबंध, नजायज संबंध और न जाने क्या क्या कहकर इस महिला को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन दोस्तों, सच्चाई ये है कि इन महिला की शादी भी हो चुकी थी और शादी होने के बावजूद इनके साथ ऐसा हुआ। इन्होंने शादी जो है वो कश्मीर के एक लड़के से की थी। So my husband, he was sitting with me and he called his mother, my mother-in-law, and suddenly the phone is off. I'm also sitting there and the phone is off. So that pit in your stomach, that... तो दोस्तों, जब कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है तो इसका मतलब कि ये महिला भी हमारी भारतीय ही हुई, इसके बावजूद हमने इनके साथ बहुत बुरा किया है। और दोस्तों, आज मुझे बहुत शर्म आती है कि हम एक ऐसे भारत में रहते हैं, एक ऐसी भारतीय सभ्यता और संस्कृति को मानते हैं जहां महिलाओं के सम्मान की बात की जाती है, वहीं दूसरी तरफ एक ऐसी महिला है
जिन्होंने सीए और एनआरसी को लेकर प्रोटेस्ट किया था, आज उनकी आवाज दबाने के लिए उनको जेल में तो डाला गया है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ मानवता का भी सवाल है कि वो 3 महीने की प्रेग्नेंट है, उनके पेट में एक छोटा सा बच्चा, नन्हा सा बच्चा पल रहा है जिसकी कोई गलती भी नहीं है, उसके बावजूद उसको, उस महिला को जेल में डाला जा रहा है, बेल नहीं दी जा रही है। दोस्तों ये क्या है, एक तरफ जो लोग आतंक फैला रहे हैं, गोली मार रहे हैं, लिंच कर रहे हैं, उनको हम बाहर निकालते हैं, तिरंगे से लपेटते हैं, वो देशद्रोह का काम नहीं कर रहे हैं, वो दरअसल समाज में शांति फैला रहे हैं, वो सरकार द्वारा चलाए गए एजेंडे को मान रहे हैं और मुसलमानों को लिंच कर रहे हैं, इसीलिए उनका सम्मान किया जा रहा है। दूसरी तरफ इन्हीं के बड़े बड़े नेता जो ये कह देते हैं कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, वो शांति नहीं भंग कर रहे हैं, वो तो दरअसल शांति बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया, उन्होंने ना रिवॉल्वर उठाई, ना किसी पर गोली चलाई, ना कोई हिंसा किया। अगर उन्होंने प्रोटेस्ट किया है तो ये उनका मौलिक अधिकार है, फ्री टू स्पीच का अधिकार है, प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, सब उनका मौलिक अधिकार है, लेकिन इन मौलिक अधिकारों को खत्म करने की सरकार के द्वारा कोशिश की जा रही। दोस्तों उनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है, इसके बावजूद किसी को कोई नहीं पड़ी हुई है, और तो और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर जाकर लोग गंदी गंदी बातें लिख रहे हैं। मैं वहां पर यहां पर कोट भी नहीं कर सकती कि उस महिला के खिलाफ क्या क्या कहा जा रहा है, क्योंकि वह एक महिला मुस्लिम महिला है और सरकार के खिलाफ उन्होंने बोल दिया है, इसलिए उनके 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 लिए सोशल मीडिया पर न जाने क्या क्या लोग बकवास लिखे जा रहे हैं। और ये और कोई नहीं बल्कि हमारी और आपकी पसंदीदा पार्टी बीजेपी से जुड़े लोग हैं, इनके मंत्री लोग अनाप शनाप बाके बक रहे हैं, इसे दे व्यापार और न जाने किन किन चीजों से जोड़ रहे हैं, बल्कि उस महिला की शादी हो चुकी है, इसके बावजूद इसके संबंध को लेकर इसके बच्चे को नाजायज ठहराया जा रहा है। दोस्तों ये कौन सा समाज है, 2020 में तो हम विकसित होने वाले थे और 2020 में हम जो है विश्व गुरु बनने वाले थे, हम कुछ नहीं बने, कोई नहीं, लेकिन हम एक सभ्य समाज तो बना सकते थे, लेकिन हम वो भी नहीं बना पाए हैं। हम एक ऐसे समाज में अब हैं जहां महिलाओं को इज्जत देने की बात छोड़िए, सरेआम उनकी बेइज्जती करने पर ये लोग तुल गए हैं। ये सारा काम इस लॉकडाउन के बीच ही किया जा रहा है ताकि लोगों का ध्यान कोरोना पर रहे। दोस्तों बहुत संसार विषय ये है, आज मैं इसको लेकर आई हूँ और मैं ये पूछना चाहती हूँ आप सभी लोगों से, क्या ये जो हो रहा है वो सही है? दोस्तों आज मैं पूछना चाहती हूँ अपने उन सारे मानवता, जो मानवता के रक्षक लोग हैं, जो मानवता के लिए लड़ने वाले लोग हैं, वो लोग कहाँ हैं? क्यों इस चीज के खिलाफ आवाज नहीं उठा रहे, क्यों नहीं पूछ रहे हैं कि एक गर्भवती महिला को बेल क्यों नहीं दी जा रही है? ये लोग महिलाओं के सम्मान की बात छोड़िए, जो भारतीय सभ्यता और संस्कृति का गाना गाते हैं और अपने आप को हिंदुत्व का परचम लहराने वाले लोग कहलाते हैं, उन्हीं लोगों ने कौन सी महिला का सम्मान आपने किया है, जरा यही बता दीजिए। ये महिला जो गर्भवती है, जो आगे आने वाले समय में एक बच्ची को जन्म देने वाली है, उनके साथ इतना बुरा बर्ताव क्यों हो रहा है, यही मेरा सीधा सवाल है। दोस्तों मैंने आज कोई तैयारी नहीं की, ये बात सही है, लेकिन ये जो विषय मैं आज उठा रही हूँ वो मेरे लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि मैं एक महिला होने के नाते ये सवाल उठा रही हूँ। आगे आने वाले समय में मैं भी सरकार के खिलाफ ऐसे तीखे सवाल करती हूँ, आगे आने वाले समय में मेरे साथ भी बुरा हो सकता है और इतना बुरा होगा ये मुझे पता है, लेकिन मैं यहाँ सवाल उस महिला के नाते उठा रही हूँ जिस महिला के साथ बुरा हो रहा है। अगर आपको मेरे ये वीडियो सही लग रहे हैं तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और भेजिए उन बीजेपी सपोर्टर्स लोगों को और पूछिए कि क्यों हो रहा है ऐसा और क्यों उस महिला के बारे में बुरा बुरा लिखा जा रहा है। उस महिला को न जाने क्या क्या कहा गया, वैसे अब तक उस शब्द इस्तेमाल किया गया उस महिला के लिए, जबकि उसकी शादी हुई है और वो उसका कोई अवैध संबंध नहीं है, उसका खुद एक पति है जिससे उसका संबंध हुआ है, लेकिन क्यों ऐसा किया जा रहा है और क्यों सोशल मीडिया पर इतने भद्दे कमेंट करने वाले सारे बीजेपी सपोर्टर ही हैं? दोस्तों मेरा सीधा सवाल है, आप अपनी जवाब और प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर दीजिए, हम आपके जवाब का इंतजार करते रहेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए और इन गंदी राजनीति से दूरी रहिए, जो भारतीय सभ्यता और संस्कृति का चोला पहनकर महिलाओं के सम्मान का गुणगान करने वाले लोग ये क्या कर रहे हैं, ये महिला का सम्मान है? दोस्तों अगर आपको मेरे ये सवाल सारे सही लग रहे हैं तो अपने जवाब कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइए और अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।